आपने अपने सुपर लीग करियर में 4 गेम्स खेली हैं और हर बार मैन ऑफ द मैच जीता है। इस स्पॉटलाइट में रहना कैसा लग रहा है मैक्स पावर? वेल रॉब, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। पर ऐसा क्यों मैक्स? मुझे स्कारा की जगह लेना अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें चोट नहीं लगती तो वो खेलते। जगह लेना अच्छा नहीं लग रहा? खैर जो भी हो, मैं अपनी चोट की वजह से लोगों के साथ रिलेट कर पा रहा हूँ। मेगा स्टार्स माइनर इंजरीज के साथ विंस ने मुझे इनविंसिबल यूनाइटेड में खिलाने का एक चांस लिया था, तो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा मैक्स, हालांकि आपके सामने थोड़ा कॉम्पिटिशन है। लगता है मजाक कर रहे हो। इस सीजन में आपसे ज्यादा यानी 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले प्लेयर हैं सुपर स्ट्राइकर्स के शेख्स। लाजवाब है वो। तो यूं समझिए कि उनका रिकॉर्ड अब जल्दी ही टूटने वाला है। तो ये बात है। अच्छा एक बात बताओ मैक्स, आप 90 मिनट्स तक इतनी एनर्जी के साथ कैसे दौड़ लेते हैं? राज बता दूं तो राज नहीं रहेगा रोबो। शेक्स, तो अब चलें? हाँ, चलो। शेक्स, हम समझ रहे हैं दोस्त, वो मैन ऑफ द मैच के लिए तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन ड्यूड, ये ज्यादा हो रहा है। क्या थोड़ी सी रिसर्च करके ही तो पता चलेगा कि वो करता क्या, क्या है? कहा थोड़ी सी रिसर्च? हाँ शेक्स, तुम इस दुश्मनी को एक नए ही लेवल तक ले जा रहे हो। क्या ये क्या शेक्स, तुम पूरी रात यहीं थे? लगता है कुछ ज्यादा ही काम किया है। अब ये एक प्रॉब्लम बनती जा रही है शेक्स। पता है, तुम्हें ये सब देखकर हैरानी हो रही है। हैरानी? तुम्हें ये सब चीजें मिली कहाँ से? क्या तुमने उसका डस्टबिन चेक किया? किसी की भी कबाड़ से उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, समझे? बॉक्स सही कह रहा है, तुम इस दुश्मनी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो शेक्स? अरे नहीं, मैं बस गेम से पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ इकट्ठा ही करना है तो सुपर लीग टेम्पररी टैटूज इकट्ठे करो ना। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये ब्लॉक की ग्रैंडमा ने हमें ब्रिस्लोविया से भेजे हैं। हाँ, ये एक पुराने बैंडेड चबाने जैसा और है। ये टैटूज बहुत ही बेकार हैं। बहुत ही घटिया। ये तो हमारे जैसे लगते भी नहीं। कम से कम तुम्हारे बाल ठीक लग रहे हैं। एलमेटिशो, ये कैसा मजाक है। लास्क्विडो। ये अच्छा है। हे क्लाउस, ये वाला ब्लैंक है। ओ, ये इनविजिबल यूनाइटेड है, बहुत रेयर है। पर ये कैसा खतरनाक ग्लू इस्तेमाल करते हैं जो उतरता ही नहीं। मुझे अपनी आर्म को 20 मिनट तक रगड़ना पड़ा। ये कुछ नहीं है, मेरी लेग देखो। ये देखो मेरी पीठ। बस नहीं, अगर हमें इनविजिबल यूनाइटेड को हराना है तो हमें एक रिसर्च करनी होगी, वो भी एक टीम की तरह। इस मैच के आखिरी कुछ मिनट ही बच गए हैं। पल्मेंटियरी के सामो स्टाइल बहुत परेशान लग रहे हैं। यूनाइटेड के नए स्ट्राइकर अपने नाम के मुताबिक खेल रहे हैं, मैक्स पावर। इन्विटेशंस 23, अटेंडिंग 0। डिफेंडर्स उनकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहे, यहाँ तक कि उनके फॉरवर्ड्स भी नहीं। अब भी इतनी एनर्जी है कि जिम्नास्टिक सेलिब्रेशन कर पाए। और मैन ऑफ द मैच है मैक्स पावर। इस नए यूनाइटेड स्ट्राइकर ने 5 मैचेस में 5 अवार्ड्स जीत लिए हैं। ये नेचुरल प्लेयर है मैक। अगर किसी को बॉल ना ही दें तो कोई भी मैन ऑफ द मैच जीत सकता है। चुप रहो उसका। तो अब आप मुझे छोड़कर इस नए लड़के की साइड ले रहे हैं? हाँ? Hey brother, मुझे भी एक बार चोट लग चुकी है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तुमने कोई चैरिटी शुरू की है ना? वो एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें मुझ जैसे परेशान लोगों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा। आ जाना। उसे शांत करने का अच्छा तरीका था, पर ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्कारा को भी नहीं। अरे इतना मत सोचो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैक्स पावर के स्टैमिना की वजह से यूनाइटेड अपना हर मैच आखिर के 10 मिनट में जीत लेता है, तो हमारी टीम में से वो कौन है जो आखिर के 10 मिनट उसे रोक पाए? पर कोच, डांसिंग रास्ता कहाँ है? प्रॉफ इसे कहते हैं द मैच एक्टिविटी इमल्शन डिवाइस, पर मैं इसे कहता हूँ द स्टैमिनेटर। ये बहुत अच्छा है कोच,
लगभग असली मैच खेलने जैसा है, पर वो ऑपोजिशन प्लेयर्स, उनसे बचो या पॉइंट्स गंवाओ, और जब अपनी लिमिट पर पहुंच जाओ स्टॉप बटन दबा देना। मेरी उंगली, मेरी छोटी उंगली, इसका नाखून टूट गया है। एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ, बहुत स्लो हो, सॉरी। ओप्स, बस हो गया। ये कैसा था कोच? 76 मिनट्स तक पीक स्पीड, पर उसके बाद 90 तक लगातार घटती रही। और तभी मैक्स अपना कमाल दिखाता है। चिंता मत करो गाइस, मैं देख रहा हूँ। गाइस, मेरी और मेरी छोटी उंगली की मदद करो। डूड, तुम भी इस कारा के बकवास अवेयरनेस कैंपेन की तरह शुरू हो गए। 24 आवर्स में 25 साइड मैचेस, वो सब माइनर इंजरीज वाले मेगा स्टार्स के लिए अवेयरनेस पैदा करने के लिए। उसका मकसद अच्छा है, हमें जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा एल मेटाडोर, वहाँ पर मैक्स पावर और कुछ दूसरे सुपर लीगर्स होंगे। उनको मेरी तरफ से गुड लक। मान जाओ, मुझे और मेरी उंगली को अकेले छोड़ दोगे। गाइस, शेक्स, मुझे और भी कई जरूरी काम है एल मेटाडोर, थैंक यू। आहा, तो तुम इसलिए मैन ऑफ द मैच जीतने के लिए इतने बेताब हो? वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुम्हारे डैड अक्सर कहते, अपने दोस्तों को पास रखो और दुश्मनों को और भी पास। शायद एल मेटाडोर सही था। पिज्जा बॉक्सेस के पीछे के आदमी के पास जाओ और फिर उसे उसी के खेल में हरा दो। शेक्स, वाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होगी। आ जाओ ऊपर। ध्यान से बेवकूफ। पर स्कारा, मैंने ये पहले कभी नहीं चलाई है। सबको अपने हिस्से का काम करना होगा। निकाल, याद रहे ये अच्छे काम के लिए है। बहुत बढ़िया मॉन्जी, ये वाकई में अच्छे काम के लिए है। तुम आ गए, और अब तुम उस आदमी के सामने हो जिसके बारे में पिछले 3 हफ्तों से रिसर्च कर रहे थे। hey, अपने अपोनेंट्स के बारे में रिसर्च करने में कोई बुराई नहीं है। तभी तो मैं कर रहा था। ओ, अच्छा। बुरा नहीं था दोस्त, बुरा नहीं था। ठीक है कैंपेन सपोर्टर्स, एक गेम हो गया है, 23 बचे हैं। अब कुछ खा लीजिए, कुछ देर बाद दूसरा राउंड शुरू होगा। तो शेक्स, तुम चीज लोगे या फिर पाइनएप्पल बर्गर? हाँ, ये तुम्हारे लिए। हे, थैंक्स। रहने दो। पर तुम तो हमेशा दो खाते हो ना? हाँ, मैं हमेशा दो खाता हूँ, पर आज वैसे तुम्हें कैसे पता? एक मैगजीन में पढ़ा था। हाँ, मैं बहुत खाता हूँ क्योंकि उतना दौड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, पर आज थोड़ा छुट्टी के मूड में हूँ। एनर्जी को बचाना, तो क्या ये तुम्हारे स्टेमिना बढ़ाने के ट्रिक्स में से एक है? ओ, तुम जानना चाहते हो? एक डील हो जाए, मैं तुम्हें अपनी फेमस बाइसिकल किक दिखाऊंगा। हाँ, सच में? स्ट्राइकर का वादा। तो ध्यान से सुनो, स्टेमिना बढ़ाना बहुत आसान है। 3 चीजों पर ध्यान दो, पोस्चर, ब्रीदिंग और स्ट्राइड। पोस्चर के लिए सीधे होकर भागो, ऐसा सोचो एक धागे ने ऊपर खींच रखा है। उसके बाद ब्रीदिंग, लंबी और गहरी सांसें लो, समझे? सीधे पेट तक। आखिर में स्ट्राइड। ध्यान रहे, तुम्हारे पैर तुम्हारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होने चाहिए, बस इतना ही। हाँ, वो चैंप्स अच्छे दोस्त बनना चाह रहे हैं। हाँ, शेक्स, ये क्या है, अपने दुश्मन से दोस्ती कर रहे हो? हाँ मैक्स, तुम्हारी वफादारी कहाँ है?
आ जाओ। नहीं ब्रदर, अब मैं और नहीं खेलूंगा। अगले हफ्ते की गेम से पहले खुद को थकाना ठीक नहीं रहेगा। तुम नहीं जा सकते। सॉरी मेट, पर मुझे अभी गाइस प्लीज मुझे ऊपर खींचो। पहले कुत्ते बचाओ। शेक्स मेरी मदद करो। मैंने पकड़ लिया है। ये क्या? पागलों में तुमने आज मेरी जान बचा ली मैक्स। तुमने भी मेरी जान बचाई है, हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर ऊपर से नजारा बहुत ही अच्छा था। हे, तुम लोग अपना ध्यान रखो, सिर्फ माइनर इंजरीज होनी चाहिए। तो तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? ओह हाँ, वो बाइसिकल, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले अपने किकिंग फुट के साथ जंप करो, फिर ग्राउंड के पैरेलल होने तक पीछे लीन करो और स्नैप। उसको रोकना वाकई बहुत मुश्किल होता है। मुझे मेरे डैड ने सिखाया था। और तुम्हारी फैमिली, वो फुटबॉल खेलते हैं? हाँ, और मेरी ग्रैंड मॉम भी। अगर SL 4000X को मान ले, खतरनाक प्लेयर है। आखिर हार मान ली शेक्स। हिमालयाज में एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से जुड़ी तुम्हारी थियोरी याद है? शायद वो गलत थी। उसको पागल साइंटिस्ट्स ने बनाया था। बोरिंग। मेरी फेवरेट कॉमिक थी, वो बहुत कॉफी पीता था। असल में उनमें से कोई भी नहीं है। मैक्स ने मुझसे खुलकर बात की। सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्चर, ब्रीदिंग और स्ट्राइड। तो अब तुम दोनों अच्छे दोस्त बन गए हो? हाँ, मैंने इनको सीक्रेट शेयर करते और सनराइज देखते हुए देखा था। हे शेक्स, वो कौन है? मेरे डैड। कमाल की बाइसिकल किक मारते थे वो। तो अब मैक्स पावर फेलियर का टाइम आ गया है दोस्तों। बिल्कुल टाइम आ चुका है। अपनी एकता दिखाने के लिए हम सबको एक दूसरे के टैटूज बनवाने चाहिए। अरे नहीं नहीं प्लीज रहने दो। पता नहीं ये मैक्स लीमो में क्यों आया है, जबकि चोट तो मुझे लगी है। यहाँ पर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे मिलना चाहिए। याद रहे, उसका पिच वाले स्टंट के बाद शेक्स को लग रहा है तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। उसके साथ दोस्ती रखना और उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। मेगास्टार्स विद माइनर इंजरीज में हुए जबरदस्त रेस्क्यू के बाद से शेक्स और मैक्स पावर अपनी दोस्ती भरी दुश्मनी के लिए चर्चा में हैं। तो क्या ऐसी होती है दुश्मनी? वो गुस्सा, वो नफरत कहाँ है? वो रिब्स में एल्बो मारना कहाँ है? हाँ, ना बालों का मजाक, ना बकवास स्पोर्ट्स कार कलेक्शन पर हंसी, क्या है ये? मुश्किल है। सवाल ये है कि परफेक्ट मैच किसका होगा? सुपर स्ट्राइकर्स ने एक और हमला बोल दिया है। ट्विस्टिंग टाइगर का तहस नहस अभियान। और शेक्स को थोड़ी जगह मिल गई है, और ये है एक क्लासिक शेक्स बाइसिकल किक। क्या कहूँ, मेरे डैड ने अच्छे से सिखाई थी। तुम्हारे डैड ने? क्योंकि वो भी फुटबॉल खेलते थे। हाँ, मैंने उस रात तुम्हें बताया था ना। हाँ, मेरी फैमिली भी फुटबॉल खेलती थी। हाँ, तुमने बताया था मुझे। क्लाउस, उनमें से कुछ टैटूज बचे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हें कितने चाहिए? वो सिर्फ एक। हे मैक्स, तुम बहुत अच्छा खेले, अफसोस गोल नहीं कर पाए। हम पिच के बाहर दोस्त हो सकते हैं शेक्स, पर यहाँ पर ये टैटू क्यों लगा दिया मेरे हाथ पर? क्लाउस चाहता है कि ये टैटू हम सब लगाएं। ये सच में कितने बेकार है, और ये सबसे बेकार है।
शेक्स, हमें लगा था अब तुम इस दीवार पर कुछ नहीं करोगे। हाँ, अब उस रनिंग और ब्रीदिंग वगैरह का क्या हुआ? कम से कम उसका कुछ सेंस बन रहा था। वो मुझे बेवकूफ बना रहा था। और तुम तो उसको बड़े प्यार से गले लगा रहे थे। मैंने उसके हाथ पर एक टैटू चिपका दिया था। वाह, मतलब उसे सब समझ में आ गया। ओके ओके, ये देखो, कुछ नोटिस किया? इसमें वो अपने राइट फुट से स्ट्राइक कर रहा है और इसमें अपने लेफ्ट से। और ये देखो, वो हर चीज के दो ऑर्डर देता है गाइस। और उसे कुछ भी याद नहीं था जो मैंने अपने डैड के बारे में उसे बताया था। इसका मतलब कि वो दो अलग लोग हैं। हर चीज के दो शेक्स, मैं तीन लोगों के बराबर खाता हूँ। सच में मैं वो सारी इमोशनल बातें भूल चुका हूँ जो तुमने मुझे बताई। और शेक्स, तुम लेफ्ट और राइट दोनों यूज करते हो। मैक्स को भूल जाओ ब्रदर। हाँ, और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी को भी। और बस गेम जीतने पर ध्यान दो। पर अगर सेकंड हाफ में मैक्स के हाथ पर टैटू नहीं हुआ तो? ठीक है, देखते हैं तुम्हारा शक कितना सही है। हाँ, सही तो है, पर हमें गेम पर ध्यान देना है। देखा आपने, उसने अपने हाथ को ढका हुआ है क्योंकि वो सेकंड हाफ मैक्स है। ये तो बड़ी अजीब बात है शेक्स। मैं उसके पास जाकर अभी चेक करता हूँ। वो काम डिफेंस पर छोड़ दो। इस हाफ में शेक्स मैक्स के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्ती वाली दुश्मनी दुश्मनी में बदल चुकी है। मैं यही तो देखना चाहता था। ओ, अब आ गया है पावर जोन, जहां मैक्स का स्टैमिना देखने को मिलता है। और मैक्स के स्टैमिना से फायदा हो गया है। अब लग रहा है कि हम स्ट्राइक बडीज बन सकते हैं। मैक्स, तुम एक लेजेंड हो। नहीं स्कारा, तुम एक लेजेंड हो। ये क्या, जब तक कि वही सारे गोल्स ना करता रहे। पर शेक्स ने हार नहीं मानी है। हर कीमत पर उसे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी चाहिए। क्या कर रहे हो शेक्स? क्या मुझे बहुत रगड़ना पड़ा, पर मैंने वो उतार दिया। आज तुम्हारे डैड कितने खुश होते ना। मुझे अपनी आम को 20 मिनट तक रगड़ना पड़ा। और मेरी चुटकी और मेरा शेक्स, मैक्स को भूल जाओ। वो अवार्ड उसे ले लेने दो शेक्स, छोड़ो, जाने दो। कुलजो, मुझे दो। शेक्स में अब भी थोड़ी एनर्जी बाकी है मैक। शायद उन्होंने आखिरी पलों के लिए बचा रखी हो। क्या वो मैक्स पावो का मुकाबला कर सकेंगे? शाबाश शेक्स। शेक्स ने मैक्स पावर की जीत के सिलसिले को रोक दिया है। कमाल हो गया, कमाल कर दिया शेक्स। ऐसा लगता है उस रिसर्च से फायदा हुआ। शाबाश, क्या बात है। अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी ये गेम जीत सकते हैं। क्या? हे सॉरी मैक्स, मैं जानता हूँ कि तुम आज जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसी दुश्मनी में ड्रॉ होना भी कोई बुरी बात नहीं है, राइट? हाँ, वो तो ठीक है। हाँ? ओ, वो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। ठीक है। ओ, ये क्या है शेक्स? ये बहुत ही डरावना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हे! ओए, ये कैसा मजाक है? और आज के मैन ऑफ द मैच अवार्ड के विनर हैं शेक्स। थैंक यू, ये बहुत बड़ा ऑनर है, पर मैं ये कभी नहीं कर पाता अपने उस दोस्त और दुश्मन के बिना जिसने मुझे इतना चखेलने पर मजबूर किया। वो मुझसे डबल टैलेंटेड है। मैक्स पावर, यहाँ आओ दोस्त, ये प्राइस तुम्हारा है। कुछ लोग तो जीत कर भी हार मान जाते हैं। चलो उसकी हेल्प करते हैं दोस्तों, वो थोड़ा शर्मीला है। मैक्स पावर, मैक्स पावर, कम ऑन, मैक्स पावर, मैक्स पावर, मैक्स पावर, मैक्स पावर। ठीक है, उसे अभी भेजता हूँ। उसे तो यही होना चाहिए, आए क्यों नहीं? मैक्स पावर का अब ज्यादा हो रहा है। मुझे यकीन नहीं होता, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। शेक्स का शक सही था। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स गव। बस करो स्कारा, मेरे होते हुए इस नए लड़के की साइड हो गए हैं। उसके अच्छे दोस्त बनो। अरे इतना मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा।
तो ये बात थी छुपे रुस्तम। देखा मुझसे छुपाने का अंजाम। प्राइज एक और आदमी दो। ये मुझे दो शेक्स, लगता है आप प्राइज और मैच दोनों जीत गए हैं। मैं उस धोखेबाज की वजह से टीम से बाहर हो सकता था। वो बिल्कुल पागल हैं। हमने उन्हें वार्निंग दी थी। हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो एल, पर हम दोनों दोस्त नहीं हैं। जानता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे लिए गिफ्ट है? ये निकल नहीं रहे हैं। अच्छा है क्लाउस। कोच, वो दुश्मन से दोस्ती वाली टेक्निक काम आई। वैसे मैंने इतना दबाव कभी नहीं झेला। बेशक, पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस बात को गलत साबित कर सकते हैं। दुश्मन और पास और टीममेट सबसे पास। क्या कर रहे हो? मैं पहले ही थक चुका हूँ। मेरा चेहरा तुम्हारी हाथ में है।